क्या किया है नैनी, इसको प्यार किया है? नैनी इसके किस कर रही थी। क्या नाम है नैनी इसका? गिलेरी। गोरी? गिलोरी। क्या पानी तो ऐसे मैं पीऊंगा, बिना पानी पिए नहीं रह जाता। इतनी बड़ी छोटी है, पी के देख ले। नॉर्मल साइज है ना, तो जी आप लोग भी खा लो कच्चा नारियल। कहते हैं कच्चा नारियल खाने से ना बच्चे की आंखें मोटी मोटी होती है ना, और रंग गोरा होता है। पड़ोसियां हो जाएगा, खाओ आप। पेट में अगर बच्चा हो तो खाना चाहिए कच्चा नारियल। मेरे पेट में बच्चा थोड़ी जमा खा रहा। कीड़े का बच्चा है शिवांश के पेट में, शिवांश है ना, कीड़े खा गया है ना। तो जी उसके बाद में छोटी छोटी क्लिप्स है, ये दो दिन की व्लॉग बनाए नहीं। तो उसके बाद में हम लोग जा रहे थे मार्केट, क्योंकि पाइप जो है ना वो नहीं है, पेड़ पौधों में पानी नहीं दिया जा रहा, तो पाइप लेकर आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। और शर्मा जी कह रहे थे नहीं मैं बाल्टी से दे दूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में यह था कि कभी ये इधर उधर रहते ना उस टाइम पे पेड़ पौधों में पानी नहीं दिया जाता, और इतने दिन हो गए अब तो हालत ख़राब हो रखी है सारे प्लांट्स की, जिसको देख कर ना पूरे दिन मन जलता रहता है, दिल दुखी होता है, मतलब अंदर से बहुत दुखी होती हूँ मैं उनको देख करके। तो मैंने सोचा हम जब खाना पीना हर एक चीज़ प्रॉपर टाइम पे करते हैं, सब्जी ख़त्म होती है तो सब्जी लेने मार्केट पहुंच जाते हैं, तो इनके लिए स्पेशल जाना पड़ेगा आज मुझे। तो मैं स्पेशल गई और ये पाइप अपनी जो है ना ये खरीदी वहाँ पे, 8 रुपये फिट में आई है ये, वैसे इन्होंने 7 रुपये फिट लगा दी थी हमारे, और 20 फिट पाइप कम पड़ रहा था तो 20 फिट लेकर आए हैं। पहले जो थी ना उसमें 20 फिट और जुड़ जाएगा ना तो सारे प्लांट्स तक पहुंच जाएगा। लास्ट ईयर मैं लेकर आई थी लेकिन वो सारी ना टूट गई, सर्दियों के टाइम पे ना ऐसे ही होता है, पाइप बाहर पड़ी रह जाती है, टूट जाती है, रोज़ उठाकर रखी भी नहीं जाती क्योंकि उसको फोल्ड करते तो भी टूटते। और ये नेक्स्ट डे देखो मैं तैयार हुई अपने आप को ही कैमरे में निहारते हुए, व्लॉग शुरू करने का मन था लेकिन किया नहीं, ऐसे सोच रही थी व्लॉग शुरू करूँ और ऐसे करते करते ना ऐसे ही चलता रहा बहुत देर तक। फिर उसके बाद में थंबनेल के लिए मुझे पिक्चर चाहिए थी, तो मैंने छोटा सा वीडियो थंबनेल के लिए बनाया था। तो जी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, दोपहर का टाइम है। आई राम जाओ जाओ पक पड़ेगा, और दोपहर का टाइम है। मैं कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले एक हाउस टूर का वीडियो शूट, वो मैंने शेयर आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया, लाइव कर चुकी मैं उसको, और अब जो है वो गए हैं बच्चों को लेने के लिए, बच्चे आने वाले हैं। दोपहर का टाइम हो गया, 1 बजने वाला है, वीडियो शूट किया था मैंने 11 बजे, 11:30 बजे मैंने लाइव किया, आधे घंटे के अंदर वो वीडियो। फिर उसके बाद में लेट गई थोड़ी देर और अब गए हैं वो बच्चों को लेने, तो फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग शुरू करते हैं, वीडियो शुरू ही नहीं किया आज का। पता है अब मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा होने लग गया ना, जैसे रात को ठंड हो रही थी थोड़ी थोड़ी, मन में ये खुशी हो रही है कि सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में काम ज़्यादा हो सकता है, मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि पता है गर्मियों में क्या होता है सुबह 8:15 बजे बहुत भयंकर वाली धूप आ जाती है पूरी छत पर, तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता, गर्मी लगती है भाई, जाहिर सी बात है गर्मी लगती है तो गर्मी के कारण कुछ भी करने का मन नहीं करता। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहन ली जो कि आरती ने मेरे को दी थी, ये भाई की शादी में लेके आए थे अरुण की में, और जब से ऐसे ही रखी थी, इसका ब्लाउज नहीं था मैंने मैचिंग करके पहना है दूसरी साड़ी के साथ का था, इसका ब्लाउज शायद आरती के पास ही रह गया, उसने 2-1 बार पहनी है, अभी मैं लेके आई थी ना उनमें से ही है। और बाकियों की फॉल लगानी है, आपने भी बोला था, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी आप ना साड़ियाँ तैयार करना, तो बाकी फॉल लगाऊंगी और एक मेहंदी भी लगाऊंगी क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है और मेरे लड्डू हमारे घर में उस दिन आएंगे। मंदिर भी यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने का सोच रही हूँ क्योंकि ये जो एरिया है ना इसमें यार बीच में नहीं रहेंगे सबके, वो थोड़ा सा कोने में रह जाएंगे, तो मेरा मन है कि मैं सबके बीच में जहाँ पर हम लोग रहें वहाँ पर हो, सामने निगाह पड़ती रहे, ऐसी जगह हो ना। तो देखते हैं आप इसको कहाँ करवाते हैं, और भी बाकी बहुत सारी न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, और कुछ ऐसा भी है जो क्लियर भी करना है जिसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि शुरू हुई लेकिन ख़त्म नहीं हुई, तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करना है, ठीक है। तो जी चलो अब सो जाओ दोनों, मैं लाइट बंद करके जा रही हूँ। अब चलते हैं किचन में। हैं
सिम वहीं रख और सो, अब आंख बंद कर, मैं बाहर की लाइट बंद कर रही हूँ उधर की। तो मैं आप लोगों के साथ में क्या शेयर कर रही थी कि शिवांश आवाज नहीं आनी चाहिए, सो जा। मैं क्या शेयर कर रही थी, आप लोग काफी दिन से कमेंट्स कर रहे हो कि दीदी दुकान का क्या हुआ, आप लोगों दुकान कर रहे थे, दुकान क्यों नहीं की अभी तक। तो देखो मुहूर्त था 28 का, 28 को हमें शॉप करनी थी, लेकिन आप सभी को बताया माँ की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी, और हमने सब कुछ फाइनल भी कर लिया था, मैंने आपको शॉप भी बताई थी, सब कुछ हो गया था। जब माँ जी की तबीयत खराब हुई ना, उस झटके के बाद में ना एकदम से ये हुआ कि अभी शॉप ना करके और कुछ दिन जो है ना माँ जी की तबीयत जो है ना स्टेबल होने का वेट किया जाए, क्योंकि क्या पता अभी दोबारा से जाना पड़े, फिर दोबारा जाना पड़े, अभी भी 15 दिन लग गए, दुकान बंद नहीं की जाती। और दूसरी बात और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ तो यहाँ इस चीज़ को गलत भी समझेंगे बहुत सारे लोग कि देखो ये वो उम्र है जिसमें बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की वो होती है, ज़रूरत होती है हर एक माँ बाप को, ठीक है। और इस टाइम पर हम जिम्मेदारियों में बंधे जाते हैं, हाँ काम धंधा जरूरी है, लेकिन ऐसा धंधा जिसमें जबरदस्ती वहां पर रहना ही पड़ेगा, काम छोड़ा नहीं जाएगा, तो ऐसा काम धंधा अगर शुरू कर देंगे ना तो फिर वो केयर नहीं कर पाएंगे। 15 दिन हम लोग वहां रुके, अगर मैंने शॉप कर ली होती तो शायद तक हम दोनों नहीं रुक पाते। फिर दूसरा काफी कमेंट्स आए थे, एक बंदे ने तो यहां तक कह दिया था कि जानबूझ के रुके, वहां पर और भी तो परिवार है। देखिए वो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, ठीक है। बड़े भैया हैं, छोटे वाले भैया हैं, हमारे छोटे वाले भैया हैं वो घर पे ही रहते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में वो ज्यादा चक्कर उन्होंने आज तक नहीं लगाए, या तो बड़े भैया ने लगाए या फिर इन्होंने लगाए हैं, ठीक है। बड़े भैया ज्यादा रहे हैं। अब बात आती है दोनों बच्चे बड़े भैया के, दोनों के जो है ना वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर सेटल हैं, उनके एग्जाम्स जो होते हैं ना, कि अभी भी मैंने बताया था कि ये कंपटीशन टेस्ट के एग्जाम के लिए उनको भी जाना पड़ रहा है बार बार, तो उनके ऊपर बर्डन कुछ ज्यादा आ गया है कि वो अपने बच्चों के एग्जाम के लिए उनके साथ जाते हैं, प्लस माँ की तबीयत खराब रहती है उनके साथ जाते हैं, बड़े भैया के साथ में अगर ये रहते हैं साथ प्रॉपर तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, एक बंदा माँ के पास खड़ा रह जाए, एक हॉस्पिटल का काम कर ले, ये सारी चीजें प्लस पॉइंट है। देखो जिंदगी एक बार मिलती है, अपनी अपनी सोच का तरीका है, कोई कैसे सोचे कोई कैसे सोचे, हमारी सोच क्या है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। लाइफ एक बार मिलती है, जितना है उतने में गुजारा। देख अरबपति इंसान है वो और कमाने की सोचता है, मिडिल क्लास फैमिली है वो सोचती है चल 2 रुपए और कमा लें, ठीक है हर इंसान सोचता है। लेकिन अगर अच्छी खुशी बढ़िया लाइफ चल रही है, अपना गुजारा हो रहा है, तो फर्स्ट मेरी तरफ से तो ये होगा कि अपने परिवार को टाइम देना जरूरी है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना जरूरी नहीं है। काम धंधे के साथ में अगर ऐसा काम हो जिसमें कि हाँ थोड़ा बहुत, अब हमारा पंडिताई का चल रहा है साथ साथ यूट्यूब का चल रहा है, अगर इन फ्यूचर ये लगेगा कि हाँ माँ की तबीयत एकदम प्रॉपर ठीक हो गई है तो हम लोग इस काम को फिर से सोच सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एक बार के लिए हमने इस चीज को पोस्टपोन कर दिया है। क्या पता भगवान यही चाहते थे, जो हमारा 20 तारीख का मुहूर्त था वो आगे किसका 28 का, वो दुकानें कैंसिल हुई, क्या पता भगवान यही चाहते थे कि साथ में दोनों रहे, क्योंकि उस दिन जो माँ की तबीयत थी ना वो एकदम खराब हालत थी, ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि हम वापस उनको लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसी हालत थी, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर नहीं किया, हमारा परिवार जानता है कैसी हालत थी, हम सब जानते हैं कैसी हालत थी, जिस हालत में हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल में लेके गए थे ना, हालत बहुत खराब थी, हमारी आंखों से आंसू जा रहे थे, लेकिन बस वो है कि वहां पर जाने के बाद में ट्रीटमेंट शुरू हुआ, 1-2 दिन निकले तब पता चला कि हाँ अब सब चीजें स्टेबल हो रही है, उस टाइम अब माँ एकदम ठीक है, और देखते हैं थोड़े दिन, अभी जाना है 7-8 तारीख के लगभग उनको दोबारा से ट्रीटमेंट के लिए लेकर के, 15 दिन की दवाई दी थी डॉक्टर ने, तो उनका ट्रीटमेंट और महीने बर्बाद में हमें पता चल जाएगा कि हाँ प्रॉपर लाइफ उनकी चल रही है। तब तक जितने भी चक्कर लगेंगे साथ में दोनों भाई लगाएंगे, बीच वाले भैया हैं वो घर की जिम्मेदारियां उठाएंगे, और इस तरीके से करके अभी के लिए पोस्टपोन करेंगे हम दुकान को, देखेंगे इन फ्यूचर कभी करनी होगी तो, ठीक है। फर्स्ट अभी प्रायोरिटी परिवार है, बाद में देखेंगे बाकी चीज़ें, भूखे तो नहीं मर रहे, अभी हर एक चीज़ बढ़िया चल रही है। पिछले कई साल 2020 में जब सब बैठ गए थे शांति से काम धंधा बंद करके, तब भी तो गुजारा हो रहा था, उस चीज़ ने बहुत कुछ सिखाया, और अभी 2020 से लेकर 23 आ गया, अब तक लाइफ चल रही है, आगे भी चल जाएगी 2-4-6 महीने, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उनकी लाइफ एकदम प्रॉपर रूटीन में नहीं आ जाती, वो पहले जैसी नहीं हो जाती, ठीक है। और बाकी अपनी अपनी सोच है भाई, मैं मेरी जो सोच थी वो मैंने बताई, हम दोनों की जो सोच है वो मैंने बताई,
फर्स्ट प्रायोरिटी फिलहाल अपना परिवार है, उनकी देखरेख है जितना हो सकेगा। पहले हम लोग जाते थे 15 दिन से, 1 महीने से, अब हम लोग हर हफ्ते भी जाया करेंगे। और वो होता है ना कि एक टाइम देना, अपनी तरफ से मन दुखी होता है ना उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो चलो करूँगी इस वीडियो का एंड, मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर को सब्सक्राइब करना।